સુરતના ખડોદરા વિસ્તારમાં એક દુષ્કર્મ અને છેડતીનો ચોંકાવી દે તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે। મહિલાએ તેના પરિણીત પ્રેમી સહિત કુલ 7 વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં મહિલાને તેના પ્રેમીએ લગ્નની લાલચ આપી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધીને દુષ્કર્મ આચરવા સાથે તેના સાગરીકોએ ભેગા મળીને નકલી હોસ્પિટલથી લઈને ડિવોર્સ પેપર ઉભા કરીને મહિલા પાસેથી કુલ્લે રૂપિયા 1.39 કરોડ રૂપિયા પડાવી લઈ તેની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી। आखरे भोग बननार महिलाए आ मामले तपास सगड़ता तमाम सामे पोलीस फरियाद नोंधावता पोलीसे दुष्कर्म अने छेड़तीनो गुनो नोंधी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी छे। खडोदरा विस्तार में रहती 40 वर्षीय महिलाना तेना पति साथे छूटाछेड़ा थई गया बाद वर्ष 2016 में एक फंक्शन में तेमना कॉलेजना मित्र उदय हेमंत नवसारीवाड़ा उर्फ नागरना संपर्क में आवी हती। त्यारबाद बन्ने अवारनवर फोन पर वातो करता हता। आ दरमियान उदय अने तेनी वच्चे प्रेम संबंध बंधाता उदय महिला ने तेनी साथे लग्न करवानी लालच आपी हती। उदय तेणीने जणाव्युं हतुं के ते आगामी दिवसों में तेनी पत्नी ने डिवोर्स आपी तेनी साथे लग्न करशे तेम कही अवारनवार तेनी साथे शारीरिक संबंध बांधतो हतो। जो कि बाद में लांबो समय थवा बाद पण उदय तेनी साथे लग्न नहीं करी मात्र समय पसार कर्यो हतो अने पोतानी सारवार माटे अवारनवार पैसा की जरूर कही ने कुल्ले रूपया 1.39 करोड़ रूपया पड़ावी लीधा हता। महिला पासे थी तमाम रोकड रकम अने तेना दागीनाओ गिरवे मुकावी पैसा पड़ावी लई उदय हाथ ऊंचा करी देता आखरे महिलाए आ मामले उदय हेमंत नवसारीवाला उर्फ नागर सामे दुष्कर्मनी पोलीस फरियाद नोंधावी हती। आ उपरांत आ समग्र केस में उदय ने मदद करनार वितरांग मुकेश शाह, हेमंत नवसारीवाला उर्फ नागर, दलाल महेश मवानी, अमदावादना आचार्य एके गुरुजी जे बे ज्वेलर्सना मालिक सामे पण छेतरपिंडी पोलीस फरियाद नोंधाई छे। मुख्य आरोपी उदय पीड़ित साथे शारीरिक संबंध बांधी लीधा बाद उदय तेणीमांथी छूटवा मांगतो हतो, जेथी उदये रांदेर रोड नवयुग कॉलेजनी सामे रहता तेना मित्र वितरांग मुकेश शाहनी मदद लीधी हती। बन्ने भेगा मळीने पीड़ितमांथी छूटवा माटे प्लान बनाव्यो हतो, जेमां वितरांग शाहे उदयनी तबियत खराब होवाथी तेने पीपलोद विस्तारमां आवेल सनशाइन हॉस्पिटलमां सारवार माटे दाखल करवामां आव्यो छे तेवुं कहीने बहानू बनावीने तेनी पासेथी पैसा पड़ावानुं शरू कर्युं हतुं। हॉस्पिटलमां पण नकली उभी कर्युं हतुं। आ दरमियान पीड़िताने विश्वास अपावा बन्ने हॉस्पिटलमां खोटा मेडिकल रिपोर्ट बनावी उदय हॉस्पिटलमां दाखल हतो तेवा खोटा वीडियो बनावीने पीड़िताने मोकल्या हता अने तेना सारवार माटे पैसानी जरूर छे कहीने अवारनवार तेनी पासेथी रोकड रकम पड़ावी लीधी हती। समग्र केसमां उदय अने वितरांग अने उदयना पिता हेमंत नवसारीवाळाए भेगा मळीने વ્યક્તતા પાસેથી લગ્ન સમયના દાગીના, તેના પતિએ લઈ આપેલા દાગીના અને પિતા દ્વારા આપવામાં આવેલા દાગીના અને તેમની પાસે પડાવી લઈ ભાગ્યલક્ષ્મી જ્વેલર્સ ધરાવતા સ્નેહલ દલાલ તથા કેતુલ દલાલ પાસે ગીરવે મૂકી પૈસા લીધા હતા। આ ઠગબાજોએ પીડિતાના તમામ દાગીનાઓ ગીરવે મૂકી જ્વેલર્સના બંને ભાઈઓ પાસેથી કુલ્લે રૂપિયા 78 લાખ લઈ લીધા હતા, જેથી પીડિતાએ ભાગ્યલક્ષ્મી જ્વેલર્સના માલિક સામે પણ ગુનો નોંધ્યો હતો। પીડિતા તેને સાજો કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતી હતી, જ્યારે બીજી બાજુ આ ઠગબાજ ટોળકીએ તેની પાસેથી વધુ પૈસા પડાવવા માટે અમદાવાદના આચાર્ય એજે ગુરુજી મારફતે ફોન કરાવી પીડિતાને લાલચ આપી હતી કે તારી અને ઉદયની કુંડળી મળે છે, બંનેના યોગ સારા છે, ભવિષ્યમાં બંનેના લગ્ન થઈ જશે તેમ કહીને તું હંમેશા ઉદયની મદદ કરજે, તમારું બંનેનું ભવિષ્ય સારું છે તેમ કહીને તેને વાતમાં લઈ પૈસા પડાવ્યા હતા, જેથી આખરે પીડિતાએ આચાર્ય એ જે ગુરુજી અને દલાલ મહેશ મવાણી સામે પણ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આ તમામ સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો અને 3 આરોપીની ધરપકડ કરી અન્ય 4ને પોલીસે વોન્ટેડ બતાવી શોધખોળ હાથ ધરી હતી। ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદીને આકે આપના FIR કરવાયા હૈ ઉસમેં ઉસને બતાયા કે એક ઉદય હેમંત નવસારીવાલા ઉર્ફે નાગર યે ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન કી હદમાં કાપડિયા હેલ્થ ક્લબ કે પાસમાં રહેતા હૈ और एक इसका दोस्त है वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह, ये कोटियार नगर रांदेड रोड सूरत में रहता है। ये जो उदय है ये फरियादी का क्लासमेट था स्कूल के दौरान और एक स्कूल की गेट टुगेदर में ये दोनों साथ में मिले और उसके बाद में इनकी मित्रता है, दोनों एक दूसरे के क्लोज आए और ये आरोपी जो है उदय उसने फरियादी का डिवोर्स करा दिया बाद में कि मैं तुमसे शादी करूँगा। 2019 में फरियादी का डिवोर्स हो गया अपने हस्बैंड के साथ में, फरियादी के 2 बच्चे हैं और उसके बाद में आरोपी ने उसको व्हाट्सएप के थ्रू अपना फेक डिवोर्स पेपर बना के अपनी वाइफ के साथ कि मेरा डिवोर्स हो गया है ऐसा फेक पेपर बना के उसको व्हाट्सएप किया, उस पर विक्टिम जो है उसने भरोसा कर लिया। उसके बाद में इनकी बातचीत होती रही, इस दौरान शादी का वादा करके अलग अलग जगह पे
फरियादी के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाए उदय ने, और बाद में इन लोगों ने 2023 में फरियादी से पैसे और ज्वेलरी की उगरानी करना चालू किया। इसमें ये उदय और इसका मित्र एक वितराग करके है, वितराग और इन दोनों ने मिल के प्लान किया सबसे पहले कि उदय बीमार हो गया है और उसको भयंकर बीमारी है, तो सबसे शुरू में उन्होंने 200 ग्राम ज्वेलरी, उसके पास में 200 ग्राम सोना है, वो उससे लिया कि उदय बहुत बीमार है और उसकी हालत गंभीर है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो वितराग आके 200 ग्राम सोना ले गया। उसके बाद में दोबारा से फरियादी को बताया गया कि वितराग जो उदय है वो बहुत कर्जे में है और उस वो बीमार है, अभी घर पर आराम कर रहा है, और इस स्थिति में भी बहुत सारे लोग कर्जा लेने के लिए उसके घर पे बैठे हैं, उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है, तो वो उसको भाभी कह के बोलता था वितराग कि भाभी जी आप ये कुछ और मदद कीजिए। तो फिर से विक्टिम इनके झांसे में आ गई और उसने 200 ग्राम सोना और उसको दिया। तीसरी बार उन्होंने बताया कि जो आरोपी है उसने बताया कि हम दोनों को साथ में रहना है और मैंने एक 3 करोड़ का फ्लैट है वो बुक करवाया है, उसका बाकी पेमेंट हो गया है, 50-60 लाख रुपये देने जितने बाकी हैं। और जो उसका आरोपी का मित्र है वितराग, उसने भी फ़ोन करके कंफर्म किया कि मैंने फ्लैट देखा है, बहुत अच्छा फ्लैट है, आप दोनों को यहीं पे रहना है। तो फरियादी फिर से उसकी बातों में आ गई और करीब 1 किलो सोना, उनके खुद का, उनके फादर का, उनके मदर की जो ज्वेलरी थी वो सारी घर से निकाल के और वितराग को हैंडओवर कर दी। उसके बाद में फिर से आरोपी ने और उसके दोस्त ने फिर से फरियादी को ठगने के लिए बताया कि फिर से जो मेन आरोपी है उदय नवसारी वाला, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो सूरत सिटी के सनशाइन हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसको प्रूव करने के लिए उन लोगों ने विक्टिम को कई बार कॉल्स किए, तो पीछे आईसीयू की आवाज़ उन्होंने क्रिएट की किसी स्पीकर या ऐसे माध्यम से, और सनशाइन हॉस्पिटल के आईसीयू के पेपर तैयार किए, फोर्ज पेपर, वो उसको व्हाट्सअप किए, तो फरियादी को एकदम भरोसा हो गया कि वास्तव में उसकी तबीयत ख़राब है। उन्होंने बताया कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है और उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट करिए। तो इस दौरान भी 700 ग्राम जितना सोना है वो फरियादी ने मेन आरोपी उदय है, उसका दोस्त है वितराग, उसको अपने घर बुला के दे दिया। फिर जब थोड़ा सा फरियादी को डाउट होना चालू हुआ तो इन्होंने बोला कि उसकी तो तबीयत और बिगड़ गई है और वो अभी उसको मुंबई में शिफ्ट करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बताया कि मुंबई उसको शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ से व्हाट्सएप की लोकेशन भी भेजी कि मैं उसके साथ में हूँ, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है और इसके लिए और पैसे की ज़रूरत है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसका लंग्स है उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका इलाज करना पड़ेगा, ये सब बोला। तो फाइनली फरियादी के पास में उनकी शादी में और पुराने जो चांदी के गिफ्ट वगैरह पड़े हुए थे वो 17 किलो जितनी चांदी थी और 200 ग्राम जितने फाइनली उनकी खुद की ज्वेलरी बची हुई थी वो सारा निकाल के और फरियादी ने वितराग को दे दिया। उस टाइम पे वितराग ने बोला कि उसका 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा है, तो बाकी का पैसा मैं समहाउ मैनेज कर रहा हूँ, आप जितनी मदद हो सकती है उतनी आप कर दीजिए। इतना ये सारा टोटल मिला के 1,39,00,000 रुपये का ये ज्वेलरी है, ये अलग अलग टाइम पर इन्होंने 2023 के साल में उनसे ले लिया। और इस दौरान उन्होंने फरियादी को और बहकावे में लाने के लिए एक कोई बाबा जी से, गुरुजी से फ़ोन करवाया कि तुम्हारे ऊपर जो उदय है उसकी वाइफ ने काला जादू कर दिया है और इस वजह से उदय भी परेशान है और आप भी परेशान हैं, वो चाहती है कि आप दोनों की शादी नहीं हो पाए और इस वजह से सारी समस्याएं आ रही है आपके घर में, तो उसको कुछ मंत्र का जाप करना भी बता दिया और बाबा जी से फ़ोन भी करवाया उसको। और अलग अलग लोगों से बात, जो वितराग और उदय है उन्होंने खुद के ही अलग अलग नंबर रखे हुए, उसी में ही एक नंबर फरियादी को बताया कि ये उदय के फादर का नंबर है, तो जब भी आपको फादर से बात करनी हो, एक्चुअली में उसकी फादर से बात नहीं हो रही थी, फादर से लेटली बात होना शुरू हुई, बट उनके फादर को इस इंसिडेंट का, पैसे लेने का, ये सब शुरू से पता था। तो अभी तक 3 आरोपी इसमें हैं, एक वितराग उर्फे बंटी मुकेश भाई शाह है जिसने फरियादी से ये सारा गोल्ड जो है वो उदय के बिहाफ पे रिसीव किया और सारा ये प्लानिंग किया, उसको भी अटक किया गया है। दूसरे 2 आदमी हैं जिन्होंने गोल्ड को रिसीव किया, केतुल चिन्नू भाई दलाल और स्नेहल चिन्नू भाई दलाल, ये दोनों अभी पुलिस की हिरासत में, इनसे अभी पूछताछ की जा रही है। और अन्य 4 आरोपी हैं जो अभी पुलिस की उनकी पुलिस तपास कर रही है, अभी मिले नहीं है, और तपास में अगर और कोई नाम खुलेंगे और कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा तो आपको जानकारी